गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। एंड लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडियबल एंड विजिबल। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडियबल एंड विजिबल। एंड वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर स्वागत है। गाइस टाइम है 7 AM और इट मीन्स ये टाइम है मेरे साथ जुड़ने का, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाओ एक ऑसम सेशन के लिए। देखो जब तक सभी लोग जुड़ते हैं, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में भी है, तो उससे आप लोग फैमिलियर रहें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाइए। देखो यहाँ पे यदि अपन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर भी है तो कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कई टॉप एजुकेटर क्लासेस मिलती हैं। इनके अलावा मेरी स्पेशल क्लास होती है रात को 11 बजे, 11 PM पर रात ही 11 बजे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर यह क्लास होती है। इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यदि अपन अकेडमी ऐप पर आते हैं। और से भी आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो प्लस और आइकोनिक दोनों कोर्सेज में अवेलेबल है। और इवन आप ऑप्शनल कोर्सेज के लिए चाहते हैं तो इनके भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जो आपके 1 मंथ to 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और यहाँ भी आप रेफरल कोड प्रेडमन यूज़ कर सकते हैं। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लोगे तो बेनिफिट्स क्या है कि पर लाइव और इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, 1 सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड ऐसे टेस्ट सीरीज, क्यूजेस एंड डाउट सेशंस मिल जाते हैं। प्रवीण मनी दी आप कोड यूज करते हैं तो आपको इमीडिएट 10% ऑफ तो मिलता है, साथ में आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाती है। प्लस कोर्स में 12 मंथ का आपको पे करना होता है 49,500। प्रवीण मनी कोड के बाद पे करोगे 44,550 रुपीज। ऐसा ही आपको 24 मंथ के लिए भी है और 36 मंथ के लिए भी है। जबकि आप आइकॉनिक कोर्सेज में आते हैं तो आइकॉनिक कोर्सेज में 12 मंथ का को पे करना होता है 74,500। प्रवीण मंथ कोड के बाद पे करोगे 67,050 रुपीज। और ये कोर्स जो आपको 24 मंथ 36 मंथ अवेलेबल है। और यहाँ आइकॉनिक में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एक पर्सनल कोच दिए जाते हैं, कई सारे बेनिफिट्स मिलने के साथ साथ में, ठीक है। और यदि आप 26 मई तक सब्सक्रिप्शन लेते हो अन अकेडमी पर तो आपको एक बेनिफिट ये है कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में GS और ऑप्शनल वाला साथ यदि लेते हैं तो 25+10 टोटल 35% आपको ऑफ भी मिल जाते हैं। 4-in-1 ऑफर भी है, ये भी यूज कर देख सकते हैं आप लोग। और तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। देखो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। मधुसूदन, एज ज्योग्राफी करंट अफेयर से श्योर रिलेटेड होती है, क्लास में कुछ चीज़ें मैं जहाँ जरूरत होती है रिलेट भी करता हूँ। आपने क्लासेज यदि की है कर रहे हो, आप तो रेगुलर आते भी हो मेरी क्लास में, तो आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है कुछ जगह पे मैंने उसको रिलेट भी किया हुआ जो करंट से जुड़ा हुआ है। एक डायनेमिक सब्जेक्ट है तो जुड़ते हैं ये, ठीक है। देखो हम लोग आज डिस्कस करने वाले ना इंपॉर्टेंट लेक्स इंडिया के, यानी इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को समझेंगे या जानेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो देखो जब जितने लोग क्लास में हो सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर लो और हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। देखो ये जो टॉपिक है बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। तो सबसे पहले यदि आप देखो लेक के बारे में समझना है तो लेक, जब हम लोग इंडिया के इंपॉर्टेंट लेक्स की बात कर रहे हैं पहले तो इसके बारे में समझना कि लेक होता क्या है, लेक कहते किसे है, लेक होता क्या है। देखो सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा कि एक वाटर बॉडी है, बेसिकली क्या है, इट्स अ वाटर बॉडी है, ये वाटर पार्ट्स है, वाटर बॉडीज है कि, और ये वाटर बॉडीज क्या है, आपको सराउंडेड है लैंड से, लैंड से घिरा हुआ है। जनरली वो आपको ब्लॉक वाटर बॉडी होता है, बट लेक में कोई जरूरी नहीं कि पूरी तरह ब्लॉक भी हो, कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वाटर का फ्लो भी दिख सकता है वहाँ से, यानी वाटर का फ्लो भी हो सकता है। टोटली ये नहीं समझ रहा कि स्टैटिक वाटर ही होगा, मान लो ये सपोज ऐसा है तो हो सकता है किसी रिवर्स के द्वारा फ्लो हो, ड्रेन्स हो यहाँ पर या कुछ भी हो, तो या किसी ओशन से कनेक्टेड हो नैरो स्ट्रिप के थ्रू, तो ऐसे बॉडी ये बेसिकली होते हैं। इट मीन्स जैसे नहीं क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि रुका हुआ पानी है पूरी तरीके से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लेक के साथ में, ठीक है। अब देखो लेक का जो फॉर्मेशन है कई तरीके से हो सकता है। यदि आप देखोगे टाइप्स ऑफ हम लेक की बात करें, जैसे कि लेक जो है कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो लेक आपको बनने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो लेक का फॉर्मेशन होता है तो आप देखोगे कुछ लेक्स ऐसे होते हैं, हम टाइप्स ऑफ लेक की बात करें सबसे पहले,
टाइप्स ऑफ लेक, लेक के प्रकार की बात करते हैं। देखो कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो इनके फॉर्मेशन यानी ओरिजिन के बेसिस पे, देखो एक तो पहले तो इनके वाटर की नेचर के बेसिस पर आपको इनके वाटर के नेचर के बेसिस पे इसको लोग टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपको सॉल्टी लेक, सलाइन लेक, और एक होगा फ्रेश वाटर लेक यानी ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील, यानी इसको हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इस नेचर ऑफ द सलाइन लेक या और फ्रेश वाटर लेक। ये वाटर के नेचर के बेसिस पर फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, मतलब आप खारे पानी की झील और ताजे पानी की झील इस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा इनको हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे भी कई पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मेशन आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब कि प्लेटें मूव कर रही हैं, उसके मूवमेंट्स की वजह से कोई पार्ट डाउनवर्ड हो गया, उसमें वाटर स्टोरेज हुआ, तो उसके कारण लेक का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग टेक्टोनिक लेक भी कह सकते हैं। यानी आप देखोगे एक तो जनरली एक जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं कि सलाइन लेक होते हैं, फ्रेश वाटर लेक होते हैं, सॉल्टी लेक भी है और ताजे पानी की झील भी है। अंतर ये, इसमें पानी जो है नमकीन है, सॉल्ट है, और इसके अंदर वाटर जो है वो फ्रेश वाटर, इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हैं, इसको पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कुछ लेक का फॉर्मेशन जो होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी देखने को मिलेगा। जैसे एक लेक होता है टेक्टोनिक लेक, तो टेक्टोनिक लेक किसे कहते हैं हम लोग, दिज लेक्स केयर फॉर्म ड्यू टू द क्रैक्स एंड द डेब्रिस इन द अर्थ क्रस्ट। यदि अर्थ क्रस्ट में किसी कारण से क्रैक पड़ता है, टूटती है, जैसे प्लेटें मूव कर रही हैं और प्लेटों के मूवमेंट के कारण कोई अर्थ क्रस्ट टूट के ऐसे चला गया नीचे और इसमें पानी का जमा हो गया मान लो सपोज, तो इस तरीके से जो लेक बना वो आपको टेक्टोनिक लेक के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लेक फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ कश्मीर, इसके अलावा नैनीताल में भीमताल, नौकुचिया ताल एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के लेक। यानी जो आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर जाइएगा तो कश्मीर वाले रीजन में, यानी सिंपल से समझ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की हमें समझ है, तो हम जानते हैं कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है उसी पार्ट में प्लेट्स मूव कर रही हैं, प्लेटें टकरा रही हैं, तो प्लेटों का कोलिजन्स हो रहा है, तो जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बनेगी वहीं पर ऐसे लेक पाए जाएंगे। इट मीन्स यदि हम बात करें सदर्न इंडिया के अंदर, तो सदर्न इंडिया में टेक्टोनिक लेक मिलने की संभावना नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड के अंदर जाओगे तो कई सारे लेक हैं जो आपको टेक्टोनिक लेक के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक, समझ रहे हैं यहाँ तक, ये ओके है सभी लोग। जैसे देखो अभी मैंने बोला कि जो लेक होते हैं एक एक जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉल्टी है और फ्रेश वाटर लेक, तो वाटर के नेचर के बेसिस पर, इसके अलावा उसके फॉर्मेशन के बेसिस पर इसको हम लोग कई पार्ट में बांटते हैं। तो एक होता है टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक लेक हुआ जो टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट बना, इट्स कॉल्ड द टेक्टोनिक लेक, ठीक है। जैसे मान लो कई प्लेटें मूव कर रही हैं, बीच में पानी आया, उसके कारण जो लेक बना। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, यू ऑल गाइज आर ओके। देखो एक होता है आपका ग्लेशियर लेक, दूसरा हम लोग आते हैं तो ग्लेशियर लेक भी, ग्लेशियर लेक इसको लोग टार्न से भी कह सकते हैं, टार्न टार्न भी कहते हैं इसी ग्लेशियर लेक को। दिज लेक आर द रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर इरोजन। देखो होता ये है कि मान लो माउंटेन रीजन से या कहीं पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और वो ग्लेशियर्स जो होते हैं मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट के कारण मान लो ग्लेशियर्स किसी रीजन से फ्लो कर रहा है और उसके फ्लो होने के कारण इरोजनल एक्टिविटी हुई और इरोजनल एक्टिविटी के कारण कोई पार्ट कट गया, ग्लेशियर मूव कर रहा है, चट्टानों को तोड़ रहा है, तो इरोजनल एक्टिविटी से कोई पार्ट बना और उसमें ग्लेशियर के मेल्ट होने से वाटर स्टोरेज हुआ, उसी को हम लोग ग्लेशियर लेक के नाम से जानते हैं। इट मीन सिंपल से कहा जाए तो ग्लेशियर्स के मूवमेंट से जब इरोजनल एक्टिविटीज हो रही है और उस इरोजनल एक्टिविटी से जब उसमें वाटर का स्टोरेज हो रहा है, इट्स कॉल्ड द ग्लेशियर लेक, ठीक है। स्मॉल माउंटेन लेक होते हैं, गंगाबल लेक विच इज लोकेटेड इन द लार्ज हिमालय ऑफ कश्मीर इन दिस रीजन्स, ग्लेशियर एक एग्जाम्पल है। लद्दाख के अंदर भी जाओगे, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, कुमायूं डिवीजन में, उत्तराखंड में, जैसे कई लेक मिलेंगे जो ग्लेशियर लेक के एग्जाम्पल होंगे। यानी जहाँ पे ग्लेशियर की पॉसिबिलिटीज है वहीं पर आपको ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ग्लेशियर्स मूव कर रही है और इसे लेक का फॉर्मेशन कर रही है, तो इस तरह से जो लेक बना वो आपका कहलाया ग्लेशियर लेक यानी ग्लेशियर झील का उदाहरण बना, ठीक, समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं ना जो लैंडस्लाइड से फॉर्म्ड हो जाते हैं, लैंडस्लाइड से फॉर्म्ड होते हैं उसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक। दिस टाइप ऑफ लेक्स फॉर्म ड्यू टू द लैंड स्लाइडिंग एंड द रॉक फॉल दोज आउट ब्रस्ट ऑफ द पाथ ऑफ द रिवर। मान लो कोई रिवर है, कोई रिवर फ्लो कर रही है और उस रिवर के फॉर्म में कोई लैंड स्लाइड होने के कारण पूरी तरीके से ये ब्लॉक हो जाए, इससे जो झील का निर्माण होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लैंड स्लाइड लेक। यानी लैंड स्लाइड्स की वजह से भी लेक का फॉर्मेशन हो जाता है।
सो इट इज कॉल्ड द लैंडस्लाइड लेक। ठीक, समझ रहे हैं यहां तक? जैसे मान लो यहां पे हुआ, ये रिवर फ्लो कर रही है, लैंडस्लाइड होकर जमा हो गया, झील का पानी इकट्ठा हो गया, इट्स कॉल्ड द लैंडस्लाइड लेक। भावना गौतम, इट इज अ टोपोग्राफी, राइट? मैं समझा नहीं भावना आपकी पूछ क्या रहे हो। टोपोग्राफी मतलब, टोपोग्राफी बेसिकली लैंड पार्ट का फीचर होता है, तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? तो यहाँ तक ओके हैं सभी लोग? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेक होते हैं, जैसे लेक का फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, ग्लेशियर की वजह से भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी हो सकता है। तो इन्हीं लेक को हम लोग टेक्टोनिक लेक, ग्लेशियर लेक, या आपको कह लो लैंडस्लाइड से फॉर्म होने वाले लेक के रूप में जानते हैं। हमें इंडिया के लेक के बारे में जानना है कि इंडिया का जो लेक है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक किन किन राज्यों में है, उनकी कुछ विशेषताएं होगी, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। आ रही बात समझ में मेरी, या कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? ऑल आर ओके? यू ऑल गाइज आर ओके? लेट मी नो गाइज, यू ऑल आर ओके? देखो कुछ लेक ऐसे भी होते हैं जो आपको डिजोल्यूशन से फॉर्म्ड हो जाता है। डिजोल्यूशन क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं उनके कारण भी कुछ लेक का फॉर्मेशन होता है। जिसमें लाइम स्टोन के रॉक हैं, लाइम स्टोन रॉक हैं या जिप्सम वाले रॉक हैं, और ये आपको अंडरग्राउंड वाटर की वजह से गल गए, डिजोल्व हो गए, और डिजोल्यूशन से जो लेक का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग डिजोल्यूशन लेक के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे तो ऐसे लेक आपको मेघालय के रीजन्स में या कुमायूं गढ़वाल रीजन्स वाले में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेक के बारे में समझेंगे, तो इसमें एक लेक और आपका फॉर्मेशन होगा, माधवी नामदेव रिवर्स जनरली फ्लो करता हुआ था। लेक का वाटर जो होता है जनरली स्टेट होता है, स्टैटिकल कंडीशन में होता है। अब देखो क्या होता है, क्रेटर लेक। क्रेटर लेक क्या होता है, जो वॉल्केनोज होते हैं, देखो जो वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनो का जो ये माउथ होता है अपर पार्ट, इसी को बोलते हैं क्रेटर। जो अपर पार्ट का माउथ बनता है ये, इसी को बोलते हैं लोग क्रेटर। ठीक है, क्रेटर कहते हैं इसे। और इस क्रेटर में यदि वाटर डिपॉजिट हो जाए, जल का जमा हो जाए, तो इससे जो लेक बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेटर लेक। तो कुछ लेक क्रेटर से भी बनते आते हैं, इसे हम लोग क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें मान लो, और यही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है ना, इसको लोग बोलते हैं कालडेरा। जब क्रेटर बड़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं कालडेरा, और कालडेरा में पानी जमा हो जाए तो कहलाएगा कालडेरा लेक। यानी जो वॉल्केनो का माउथ है उससे हम लोग क्रेटर बोलते हैं, और लार्ज फॉर्म तो क्रेटर इज कॉल्ड कालडेरा, और उसमें वाटर डिपॉजिट हो जाए इट्स कॉल्ड द कालडेरा लेक। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेक को समझेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं लेक आपके सामने देख रहा हूँ, तो उस लेक का नाम है डल लेक। यदि हम बात करें डल लेक के बारे में, आप सभी लोग वेल नोन हो गए इस लेक के बारे में, डल लेक के बारे में, कि आपको श्रीनगर के क्लोज ये लेक है। ठीक है, यदि हम इस लेक की बात करें तो ये आपको श्रीनगर के क्लोज लेक है ये। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि बेसिकली जो डल लेक है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के क्लोज एक लेक है। दिस लेक हैज डाइवर्स वेजिटेशन सच एज द लोटस, रेड लोटस एंड वाटर चेस्टनट। कुछ इस लेक में वेजिटेशंस भी मिलते हैं जिसमें आपको देखोगे डाइवर्सिफाई है, लोटस है, रेड लोटस है और वाटर चेस्टनट है। साथ साथ में आपको पॉल्यूटेड होने के कारण ये लेक धीरे धीरे स्क्वीज कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, यानी इसमें पॉल्यूशन लेवल बढ़ने के कारण आपको इसको देखोगे कि समझ लो सिकुड़ता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है ये लेक बेसिकली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डल लेक यदि हम बात करें, लोकेशन देखते हैं यदि मैप में, तो श्रीनगर के पास एक झील है जिसको हम लोग डल लेक के नाम से जानते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर लेक का एग्जाम्पल है, ताजे पानी का झील है, और पॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे लेक आपको स्क्यूज करता चला जा रहा है। और यहाँ पे आपको यह शिकारा के लिए भी जाना जाता है, यस मुकेश झा। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है, इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर में आते थे कि इंपॉर्टेंट से अनदर इंपॉर्टेंट लेक है, उसका नाम है वुलर लेक। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द कश्मीर वैली। यदि हम कश्मीर वैली के अंदर आते हैं तो जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, उसका नाम है
वुलर लेक, और इस लेक से आपको देखोगे ना सोपेरियन बांदीपुर के बीच में लोकेटेड है, दिस फॉर्म द प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब बना था और कैसे बना था, तो इन द प्लिस्टोसिन एज के अंदर आपको ये बना हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। यानी हम कह सकते हैं कि वुलर लेक इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक। कभी एग्जाम में क्वेश्चन है कैसा लेक है, तो टेक्टोनिक लेक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ तुलबुल प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि देखो वुलर लेक के मिड से आपको झेलम रिवर भी क्रॉस करती है, झेलम रिवर भी पास करती है इसे, और झेलम रिवर पर एक नेविगेबल प्रोजेक्ट बना हुआ जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है आपको इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमने डेल लेक के बारे में समझा और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने वुलर लेक को समझा। आप देख सकते हो ये वुलर लेक का रीजन है, ये यदि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो लोकेशन को समझने में आपको इजी हो गया। ये आप देख सकते हो इट्स अ वुलर लेक, ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ये वुलर लेक का पार्ट है। बन सकती है माधवी, ठीक है। अब देखो एक लद्दाख के रीजन में बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है पैंगोंग सो लेक, लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है। ये जो लेक है पैंगोंग सो लेक, जो बेसिकली इस लेक के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपको रिमेन्स ऑफ टेथिस सी है, जो टेथिस सागर है उसी का अवशेष है। यानी जो पैंगोंग सो लेक है आपका, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं इट्स अ रिमेन्स ऑफ द टेथिस सी। टेथिस सागर जो था, आपको याद होगा हमने जो हिमालय का ओरिजिन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मिड में एक सी है, उस सी का नाम था टेथिस सी, और उसी के बाद वहीं पर हिमालय का ओरिजिन फॉर्मेशन हुआ। तो वो सी जो है उसी अवशेष के रूप में बचा रह गया, जिसको लोग पैंगोंग सो लेक के नाम से जानते हैं। देखो सो इसमें सो का मीनिंग होता है लेक, ये तिब्बतियन वर्ड है और तिब्बतियन लैंग्वेज में सो का मीनिंग होता है लेक। तो याद रखना पैंगोंग जो लेक है ये आपको रिमेन्स ऑफ द टेथिस सी है। आप इसकी लोकेशन देखोगे तो लेक से क्लोज आपको दिख रहा होगा, जो इंडिया और चाइना दोनों पार्टों में है। यानी लेक, ये जो लेक है पैंगोंग सो, ये आपको भारत और चीन दोनों कंट्री के साथ मिलेगा ये, ठीक है। अब देखो आप जम्मू कश्मीर के पास में देखोगे तो एक स्टेट है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक लेक मिलता है उसका नाम है चंद्रताल, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर है चंद्रताल, उसी को हम लोग सो चिकमांग में ही कहते हैं, उसी चंद्रताल को सो चिकमांग लेक में नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें चंद्रताल एक इम्पॉर्टेंट लेक है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, चंद्रताल लेक है। बेसिकली इसे लेक के बारे में समझो, जो आपको बारा लाचाला पासेस के क्लोज में जो रिवर है ना, आपको चंद्रा और भागा हम लोग रिवर में पढ़ चुके हैं, उसी के क्लोज ये लेक आपको मिलेगा, ये चंद्रताल लेक। इसी तरह हिमाचल में एक और इंपॉर्टेंट लेक है डलहौजी के पास में खजियार लेक, जिसकी लोकेशन याद रखें खजियार लेक जो है हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के पास लोकेटेड है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अच्छा एक जम्मू कश्मीर के रीजन्स में ही एक लेक आप याद रखिएगा सोकर, सोकर अभी न्यूज में भी था चर्चा में भी था, यस सोकर, सोकर बेसिकली इज हाईली एलिवेटेड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन द लद्दाख रीजन, एक वेटलैंड रीजन है लद्दाख रीजन में सोकर, और ये आपको हाईली सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड स्प्रेड ओवर 1800 हेक्टेयर्स में, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वेटलैंड और रामसर साइट फॉर द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इस लेक को भी रिसेंटली रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो एक करंट के साथ जुड़ा हुआ हो भी हो सकता है, ये करंट में नीचे में भी रहता है सोकर, इसको याद रखना लद्दाख रीजन में एक इंपॉर्टेंट लेक है, एक वेटलैंड रीजन से, इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया। आप देख सकते हो उसका सेटेलाइट इमेज है ये सोकर का, ये आपको जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में ही मिलेंगे, ठीक है। यस यस माधवी, यहाँ तक ओके है सभी लोग,
कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश में एक और लेक है, इम्पोर्टेंट लेक है, नाको लेक। याद रखना नाको लेक भी हिमाचल प्रदेश में ही है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके आसपास में को विलो और पॉपुलर्स के प्लांट्स बहुत अधिक मिलेंगे, जो वेजिटेशन से विलो और पॉपुलर्स की मिलेंगे यहाँ पर। और ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए जाना, ठीक है? तो नाको लेक इन द हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, सराउंडेड बाई द विल्लो एंड पॉपुलर्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए आपको फेमस है ये। देख सकते हो यदि इमेज में, तो ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है ये रीजन आपको मिलेगा, ये नाको लेक का। हिमाचल प्रदेश एक और बहुत ही फेमस लेक है, रेणुका लेक। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है रेणुका लेक, ठीक है? गॉडेस रेणुका के नाम पर दिया गया। दिस इज ऑल्सो द जू एंड द लैंड सफारी। तो याद रखिएगा एक रेणुका लेक भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही, ठीक है? नाको लेक जैसे हमने देखा था, उसी तरीके से रेणुका लेक की लोकेशन भी आपको हिमाचल में ही मिलने वाला है, जो आपको एक गॉडेस के नाम पर रखा गया है। और ये जू और लॉन सफारी के लिए फेमस है, ये आपका रेणुका लेक का रीजन से। तो देखो इसमें सिंपल सा हमें बेसिकली याद यही रखना है, इनकी लोकेशन यदि उसका कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है तो हमें ये समझना होगा, ठीक है? उसी तरह आप देखोगे तो एक लेक और है सूरज ताल, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही है। बारा लाचाला पास आपको याद होगा, हम लोगों ने जब पढ़ा था माउंटेन रीजन्स, हिमालय रीजन के बारे में, तो एक बारा लाचाला पास के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? उसी के क्लोज एक लेक है, उसका नाम है सूरज ताल। और इसी लेक के बारे में कहा जाता है इज द सोर्स ऑफ द भागा रिवर। जो भागा रिवर है उसका सोर्स जो है ये आपका सूरज ताल, ठीक है? तो याद रखना। अब देखो आप जैसे हिमाचल के क्लोज आते हो, तो हिमाचल के क्लोज एक स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है भीमताल। इसका नाम सुना होगा कुमायूं डिवीजन के अंदर, भीमताल लेक जो है, ठीक है? लोकेटेड नियर द भीमताल, नैनीताल भीमताल वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट में जब जाओगे तो एक लेक आपको दिख रहा है, ये भीमताल लेक है। ये आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाई देगा, नैनीताल के पास में जाओगे तो एक प्लेस है भीमताल, वहाँ पे एक लेक है उसका नाम है भीमताल लेक, ये उत्तराखंड के अंदर है। उसी तरह से एक लेक और है वहाँ पर उत्तराखंड में, उसका नाम है रूपकुंड लेक, उत्तराखंड, रूपकुंड लेक उत्तराखंड के अंदर। ये यहाँ पर आप जाओगे तो 600 स्केल्टन्स बिन फाउंड ऑन इट साइड, यहाँ पर कई स्केल्टन्स मिले हैं, अप्रोक्स 600 के आसपास में स्केल्टन्स भी पाए गए हैं रूपकुंड लेक वाले रीजन्स में। तो आपको याद रखना है रूपकुंड लेक इन द उत्तराखंड रीजन्स, आप देख सकते हो मैप के अंदर, तो ये रूपकुंड का रीजन, उत्तराखंड का प्यार देखो ना, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको रूपकुंड एरिया मिलेगा, ये रूपकुंड लेक का रीजन्स मिलेगा उत्तराखंड में। एक और लेक है वहाँ पर सतल लेक और सतला लेक। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 कुल लेक्स नियर द भीमताल टाउन कुमायूं ब्लॉक इन द उत्तराखंड। तो उस रीजन में करीब करीब 7 लेक है, उसी का एक पार्ट ये भी है सतल लेक, उत्तराखंड के अंदर ही, हमें याद रखना है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, सेटेलाइट इमेज ही ये, इसका सतल लेक का ही है। देखो एक आपको लेक है सिक्किम में, ग्रुंडोंग मार लेक। गुरुडंगमार लेक जो है इसके बारे में कहा था, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सबसे ऊंचे झीलों में से एक है जिसको हम लोग गुरुडंगमार लेक से नाम से जानते हैं, ठीक है? ये आपको सिक्किम स्टेट में सिचुएटेड है ये, और इट इज़ कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ द बुद्धिस्ट सिख्स एंड द हिंदू, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेम द गुरु पद्मेश्वर ऑल्सो नोन एज द गुरु रिपचो, फाउंडर ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिज्म। ये लेक आपको याद रखना है सिक्किम के अंदर जो है, और बेसिकली ये जो लेक है सिक्किम में ग्रुंडो मार्ग लेक, ये आपको हाईएस्ट लेक है यानी सबसे ऊंचा झील है ये। यदि क्वेश्चन ये आ जाए तो आपको ये सबसे ऊंचे झील में से एक है ये वर्ल्ड के, और भारत का सबसे ऊंचा झील है, जो आपको सिखों के लिए भी जाना जाता है,
हिंदुज्म के लिए भी है और बुद्धिज्म के लिए भी है, ठीक है। यदि आप इसको मैप में देखोगे तो ये कुछ लोकेशन है सिक्किम का, और ये सिक्किम में ये वाला पार्ट जो है गुंडोमार्ग लेक है ये, और सिक्किम में एक और लेक है चोलामू लेक। ये दोनों लेक को याद रखना, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेक में से एक शामिल है, चोलामू लेक भी है, ठीक है। तो गुंडोमार्ग लेक है और चोलामू लेक दोनों सिक्किम में है, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक में से एक शामिल करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया का हाईएस्ट लेक कौन सा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बिना पर देखो तो चोलामू भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है, और ये भी आपको सिक्किम में ही लोकेटेड है नॉर्दर्न साइड के अंदर। बोथ आर इन द सिक्किम स्टेट, ठीक है, समझ रहे यहां तक? और आर ओके गाइस? एक लेक और आपको सिक्किम में मिलेगा, खेचोलो पलारी लेक, ये तो वेस्ट सिक्किम में है, और ये भी आपको हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए जाना जाता है। और दूसरी चीज इसमें याद रखना है, बम्बू फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको सिक्किम के अंदर दिखाई देगा, ये वाला जो बेल्ट देख रहे हो ना, बेसिकली सिक्किम का ये वाला बेल्ट, ये आपका रीजन है जो पलारे लेक का। तो ऑल गाइज आर ओके, यहां तक समझ रहे हम लोग? एक लेक गंगटोक से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर जो है एक लेक है गंगटोक से, उसका नाम है सोमगो लेक। सिक्किम में एक और लेक है जो गंगटोक के क्लोज है और उसका नाम है सोगमो लेक, और ये ग्लेशियर लेक का एग्जाम्पल है, और ये भी आपको हिंदूज और बुद्धिज्म के लिए फेमस लेक है ये, ठीक है। और इसका शेप जो है एक के शेप की तरह है, शेप लाइक द एग, एक की शेप की तरह दिखता है ये आपको सोगमो लेक, ये भी सिक्किम में है, ठीक है। तो सिक्किम में गंगटोक से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर एक लेक है जिसका नाम है सोगमो लेक, और ये लेक आपको ग्लेशियर लेक एग्जांपल है जो एक शेप में आपको दिखाई देगा। तो हम लोगों ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट लेक देखा, वो सारे के सारे आपको सिक्किम के अंदर मिलेंगे। अब देखो सिक्किम से जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो मणिपुर स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है लोकतक लेक। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि मणिपुर के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसका नाम है लोकतक लेक, और ये रामसर एग्रीमेंट के अंदर, रामसर साइट के अंदर भी आता है ये, ठीक है। देखो ये लेक जो है लोकतक लेक, आप देखोगे लोकतक लेक यहाँ पर मणिपुर स्टेट में है, और ये उस रीजन में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। माधुरी यापी का क्वेश्चन था ना, तो याद रखना कि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है उस रीजन में, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी लेक के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और लोकतक लेक के साथ एक नेशनल पार्क भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। इसके बारे में पढ़ा होगा कि केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है लोकतक लेक से एसोसिएटेड है, और ये नेशनल पार्क फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। ये जो दिख रहा है ऊपरी भागों में दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फुमदी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फुमदी, ये पार्ट कहलाता है फुमदी, और ये पानी के ऊपरी बेसिकली ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये फ्रेश वाटर लेक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक यही है। तो जो फुमदी है बेसिकली ये आपको क्या है, ये आपको सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल ग्रासेस से मिलकर बना हुआ है, वाटर के अपर पार्ट पर सरफेस पे फ्लोट करता हुआ, इसी वजह से केबुल लामजाओ को हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं जो इसी लेक के साथ रिलेटेड है, ठीक है, समझ रहे इसको। तो लोकतक लेक हाइड्रो पावर के लिए जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर के अंदर है ये, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपसे पूछा जाए तो आपको लोकतक लेक ही होगा, जो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का झील होगा, ठीक है। यहां तक समझिए सभी लोग, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यू ऑल आर ओके गाइस?
सुप्रिया क्लास की पीडीएफ मेरे उसमें जुड़ जाइए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपने पीडीएफ सेंड करता हूँ, तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी आपको क्लासेस के बाद, मतलब आज नहीं मिलेगी बट आपको पीडीएफ वहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, जैसे प्रीवियस क्लासेस मैंने कुछ भेज रखा है, जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता होगा, तो आप जुड़ जाइए वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ आपको, ठीक है। पीडीएफ की प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ मैं सेंड करता हूँ ऋतिक, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे कभी टेलीग्राम ग्रुप ओपन भी तो किया करो जहाँ मैं भेजता हूँ, जैसे कल मैंने पेंडुलम रिवर वाली पीडीएफ सारी भेज दी थी उस पर, आप देखोगे तब तो, आप लोग ओपन करते ही नहीं हो, जुड़े ही नहीं हो। मैं रोज रोज बोलता हूँ कि यार अनअकैडमी अंडरस्कोर प्रवीण सिंह इट्स माई टेलीग्राम ग्रुप लिखे यहाँ पर जुड़ो, तो वो करना नहीं है बस सर, नहीं है, कंप्लेन करने की आदत बनी हुई है बस और कुछ नहीं सर, ये नहीं करते हो। अरे कभी कभी खुद में भी देखो कि मेरे अंदर गलती है या नहीं है, हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाई बात समझ मेरी। अब देखो डेजर्ट रीजन में जाओगे तो जो लेक का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एओलाइन लेक के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि डेजर्ट रीजन में इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से बेसिन पार्ट में, ऐसे समझोगे हम लोग, डेजर्ट एरिया में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई बेसिन है माउंटेन का सेप है और इसमें एरोजनल एक्टिविटी बेसिन होना और रिवर्स की तरफ पानी का डिपॉजिट हुआ, तो ऐसे जो लेक बन जाते हैं डेजर्ट रीजन्स में वो जनरली आपको उन्होंने एवलाइन लेक के नाम से जानते हैं। राजस्थान में से कई लेक मिलने वाले हैं, जैसे सांबर लेक, पंचभद्रा लेक, सारे राजस्थान में एग्जाम्पल्स हैं आपको एवलाइन लेक्स के, ठीक है। इसमें एक लेक और मिलेगा राजस्थान में, उसका नाम है ढेवर लेक। ढेवर लेक भी राजस्थान के अंदर एवलाइन लेक का एग्जाम्पल है, ये आपको उदयपुर के पास मिलेगा, ठीक है। और ये इम्पॉर्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में से एक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है ढेबर लेक, इसको बनवाया था राजा जय सिंह ने, राणा जय सिंह ने 17वीं सेंचुरी में। वहां पे गोमती रिवर पर, ध्यान समझना, राजस्थान में ही एक लेक है ढेबर लेक उदयपुर के क्लोज में, जो वहां पे गोमती रिवर है उदयपुर के रीजन में, उसी पे बना हुआ ये। और इस लेक के मिड में कुछ आइलैंड्स भी लिक्विटेड हैं, लोकेटेड हैं। देखो राजस्थान के अंदर कई ऐसे लेक हैं जो आपको एओलाइन लेक एग्जांपल है, और कुछ वहाँ पे मैनमेड लेक भी हैं। तो उसमें एक लेक है ढेबर, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैप में देखने में आपको इजी हो जाए। देखो ये है ढेबर लेक, उदयपुर के पास आपको मिलेगा, जो आपको एक आर्टिफिशियल लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। उस लेक के मिड में कुछ आइलैंड्स भी बने हुए हैं। अब देख लो ये पंच परदार लेक है, नक्की लेक है, पुष्कर लेक है, सांबर लेक है, ये सारे जो लेक आप देख रहे हो इस रीजन में मैप में, ये सभी के सभी आपको राजस्थान के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल आर इन द राजस्थान रीजन, समझ में आया इस। इसके अलावा एक लेक पुष्कर लेक भी है राजस्थान में, इट इज एन आर्टिफिशियल लेक, ये भी आपको आर्टिफिशियल लेक एग्जांपल है, अजमेर के क्लोज पुष्कर में ये लोकेटेड है ये। टिप ऑफ द लूनी रिवर, लूनी रिवर के टिप पर ये लेक बना हुआ था, ठीक है, जिसका नाम है पुष्कर लेक। अब देख सकते हो पुष्कर के पास में, ये भी आपका आर्टिफिशियल लेक एग्जांपल है राजस्थान में, और लूनी रिवर के टिप पर ये फॉर्म्ड हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में बहुत ही फेमस लेक है सांबर लेक, इसका नाम सभी लोगों ने सुन रखा, जयपुर से करीब करीब 70 किलोमीटर वेस्ट में सिचुएटेड है ये राजस्थान के अंदर, और ये रामसर साइट में भी है, और ये आपको साइबेरियन बर्ड्स के लिए भी फेमस है, और साथ में सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। देख सकते हो सांबर लेक, और इसके बारे में किसी और याद रखना सांबर लेक के बारे में, ये आपको इनलैंड रीजन्स में, यदि आंतरिक भागों में आओगे इनलैंड पार्ट में, तो लार्जेस्ट लेक है ये, सबसे बड़ा झील है। इनलैंड पार्ट के अंदर आइएगा तो लार्जेस्ट लेक आपका बनता है, उसका नाम है सांबर लेक, ठीक है, समझ रहे हैं इसको हम लोग। देखो रिवर्स के फ्लो के रीजन में भी कुछ लेक का फॉर्मेशंस होता है, जिसको हम लोग फ्लूवियल लेक्स के नाम से जानते हैं।
रिवर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ लेक ड्यू टू द देयर इरोजनल डिपोजिशन एक्शन. यदि मान लो रिवर फ्लो कर रही है, इरोजनल एक्टिविटी हो रही है, उसमें डिपोजिशन, उससे भी लेक बनते हैं, इसको होते हैं फ्लूवियल लेक्स. फ्लूवियल लेक्स आर जनरली टेम्पोररी एंड सून बिकम इरप्टेड. जो कभी कभी आपको बनती हैं तो जनरली ये इरप्टेड भी होती है, तो ऐसे भी लेक आपको मिल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूवियल लेक्स. ठीक है. और एक आप जाइएगा एमपी के अंदर, भोपाल के पास में एक लेक है, भोज आद्र भूमि भी जिसको हम लोग बोलते हैं भोपाल में, जिसमें आपको दो लेक मिलेंगे, अपर लेक और लोअर लेक. ठीक है, ये सब देखते तो भोपाल के अंदर अपर लेक और लोअर लेक है ये भोपाल में. ये यहाँ पे कुछ रिवर्स वगैरह फ्लो करते, देख लो ये सारे रिवर्स बने हुए हैं और उसके फ्लोज बन रही है. इसके अलावा एक आपको एमपी में एक और लेक याद रखना है, तवा जलाशय. एक रिवर है तवा, कल की क्लास में शायद मैंने आई थिंक तवा रिवर के बारे में पढ़ाया भी था, शायद आपको शायद याद हो तो. तवा रिवर जो है उसके साथ जुड़ा हुआ, नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी थी ये, उस पर बना हुआ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. इसको तो तवा जलाशय या तवा लेक के नाम से जानते हैं, जो वहाँ पर एक डैम बनाया गया उसी डैम से ये बना हुआ है. और ये आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ रिलेटेड है. जो तवा लेक है ये आपको नर्मदा रिवर पर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपको सतपुड़ा और बोरी के साथ रिलेटेड है. ये देख सकते हो तवा रिजर्वायर, ये तवा ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की. ठीक है, इसको याद रखिएगा. देखो कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं जिसको लैगून लेक के नाम से जानते हैं. लैगून लेक का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो सिंपल से समझो, कोई रीजन से लैंड पार्ट है, ये ओशंस का पार्ट है, सपोज ओशन का पार्ट है, और इस रीजन में आपको कोई सेडिमेंट डिपोजिट हुआ और सेडिमेंट डिपोजिशन से या कोई कोरल्स वगैरह आ गया, तो इसके कारण ये ब्लॉक हो गया. तो ये जो बीच में पानी बना, ये लेक ही आपको लैगून के नाम से जाना जाता है. लैगून लेक जनरली क्या होता है कि इसका एक नैरो स्ट्रिप जो होता है ओशन से कनेक्टेड होता है. जनरली क्या होता है कि नैरो स्ट्रिप जो होता है वो ओशन से कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो ओशन के वाटर के ब्लॉक होने के कारण लैगून लेक जो होते हैं जनरली आपको सॉल्टी लेक के रूप में दिखाई देंगे. जिस आप जाओगे तो कोस्टल एरिया में उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक को देख लो, पुलिकट लेक देख लो, या आंध्र प्रदेश में जाओगे वेम्बनाद लेक वगैरह जो हैं, ये सभी के सभी आपको एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. केरला के अंदर वेम्बनाद लेक या अष्टमुदी लेक आपको लैगून के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, या चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, या पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अंदर, ये सभी आपको लैगून से लेक के एग्जाम्पल्स मिलेंगे. तो ऐसे इंडिया में कुछ लैगून लेक भी आपको मिलने वाला है, जैसे चिल्का लेक. चिल्का लेक के बारे में कहते हैं कि सॉल्टी वाटर लेक होगा, कोस्टल रीजन है तो उड़ीसा द लार्जेस्ट कोस्टल लेक ऑफ इंडिया. यदि हम बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ा जो लेक है इंडिया में वो आपको चिल्का ही है. देखो इंडिया चिल्का से बड़ा इंडिया के अंदर कोई भी लेक नहीं है. बट यदि इनलैंड पार्ट में सॉल्टी लेक हमसे पूछा जाता है तो आंसर हम सांभर का देते हैं, क्योंकि आंतरिक भागों में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर है. चिल्का क्यों है? क्योंकि ये कोस्टल रीजन में है, लेकिन कोस्टल रीजन में होने की वजह से सबसे बड़ी झील यही है. कभी भी क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो चिल्का बोलेंगे, बट इनलैंड साइड में पूछे तो हम लोग सांभर का आंसर कर सकते हैं, सांभर का नाम दे सकते हैं. ये लेक बेसिकली बनाते जो महानदी रिवर है उसके सिल्ट के डिपोजिशन से, महानदी नदी ने सिल्ट का डिपोजिशन करते चले गए और उसी की वजह से ये चिल्का लेक का फॉर्मेशन हुआ है. ये बना आपका चिल्का लेक, आप मैप में देखोगे तो ये आपको चिल्का लेक का रीजन है, ये उड़ीसा के अंदर. इट्स अ चिल्का लेक जो इंडिया का लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लैगून लेक भी है और लार्जेस्ट सॉल्टी लेक भी है, और कोस्टल रीजन का भी लार्जेस्ट लेक यही हुआ. इनलैंड पार्ट में आते हैं तो लार्जेस्ट लेक हमारा सांभर बनता है. साइबेरिया मीन्स होता है, साइबेरिया एक रीजन का नाम है रसिया के अंदर, उसको साइबेरिया बोलते हैं मालदीव. ठीक है, याद रहेगा ये चीज. आप आइएगा एक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ मूसी रिवर के साथ. मूसी रिवर याद करो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी रिवर. उसके साथ एक लेक बना हुआ, उसका नाम है हिमायत सागर, हैदराबाद के पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हैदराबाद सिटी से ये आपको बना था. इट इज अ नेम्ड आफ्टर द यंगेस्ट सन ऑफ हिमायत अली खान ऑफ निजाम 7th. जो 7th निजाम थे उसकी सन हिमायत अली खान के नाम पर हिमायत सागर बनाया था. ये आर्टिफिशियल लेक है मूसी रिवर पर, आप देख सकते हो ये हिमायत सागर रिजर्वायर है. ये आपको मिलेगा मूसी रिवर पर तेलंगाना में हैदराबाद के पास.
इसके अलावा हैदराबाद सिटी के पास में मूसी रिवर एक और लेक है, उसका नाम है हुसैन सागर, मूसी रिवर। बिल्ट द हुसैन शाह वली ने इसको बनवाया था 1562 में। लोकेटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद सिटी को वाटर सप्लाई इसी से होता है, हुसैन सागर लेक से। ठीक है, ये भी आपको हैदराबाद में है, हुसैन सागर लेक देख सकते हो। हैदराबाद शहर को मूसी नदी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, और हैदराबाद शहर को वाटर सप्लाई करने वाला लेक यही है। इसके अलावा आप जाओगे तो सॉरी, हैदराबाद में मूसी नदी के साथ एक और लेक जुड़ा हुआ है, उसका नाम है उस्मान लेक सागर, उस्मान सागर। इट्स आर्टिफिशियल लेक ऑफ हैदराबाद। द लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द निज़ाम ऑफ हैदराबाद अ डैम द मूसी रिवर इन 1920। और ये भी आपको ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में हैदराबाद में यूज होता है, यानी आपको हुसैन सागर के साथ साथ में उस्मान सागर भी है, ये भी आपको हैदराबाद के अंदर ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज होता है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी आपको मूसी नदी के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये उस्मान सागर लेक है। जैसे हमने हिमायत सागर देखा, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये सभी के सभी आर्टिफिशियल लेक हैं, मूसी रिवर के साथ जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से क्लोज वाले पार्ट में, तेलंगाना वाले रीजन्स में। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश में आप जाओगे तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मिड में, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मिड में एक लेक है, कोलेरू लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द आंध्र प्रदेश रीजन में। ये फ्रेश वाटर लेक है बेसिकली, ये जो डेल्टा है तो आप देखोगे जो कोलेरू लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बिटवीन द कृष्णा, जैसे मान लो इंडिया के मैप देख रहे हो, जैसे समझना, यहाँ पर ये हमारा मान लो पेनिनसुलर इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, इनके बीच में ये आपको कोलेरू लेक का रीजन है, दोनों के डेल्टा के बीच में। तो ये आपको फ्रेश वाटर लेक है जो इन दोनों के सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना हुआ है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी रिवर्स, द लेक नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1999 द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इसमें याद रखना कोलेरू इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द आंध्र प्रदेश रीजन, जो आपको गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मिड में, सॉरी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा के मिड में सिचुएटेड है, ये आप देख सकते हो मैप के अंदर। ये कृष्णा रिवर है और ये आपको गोदावरी रिवर है, उनके बीच में देख रहे हो, ये कोलेरू लेक का लोकेशन है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं सभी लोग। अब एक इंपॉर्टेंट लैगून लेक आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, या कोरोमंडल कोस्ट पर, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का कोस्ट है उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट, और उस लेक को बोलते हैं लोग पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहां पे मिलने वाला है, ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, इसका नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इज द एग्जाम्पल ऑफ द लैगून लेक, पुलिकट, पुलिकट लेक, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। इट मीन जो चिल्का के बाद दूसरी बड़ी जो झील है वो पुलिकट ही है ये। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है, और इसी में आपको एक आइलैंड है समझो, जिसका नाम है श्री हरिकोटा, और इसके बारे में जानते हैं कि ये आपको इसरो जो है का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी है। इसके अलावा पुलिकट लेक इधर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, जल सिंह, कॉल्डिला, हेरन्स, चिंगारा, स्पूनबिल्स, डक, कुछ ऐसे आपको बर्ड्स मिलते हैं जो पुलिकट लेक के साथ होंगे, जल सिंह, कॉल्डिला, हेरन, चिंगारा, स्पूनबिल्स एंड डक। ठीक है, याद रहेगा इस चीज़ को, ये याद रखना कि आफ्टर द चिल्का सेकेंड लार्जेस्ट लेक का पुलिकट है, जो मैप में आप देख रहे हो तो ये आपको पुलिकट लेक का पार्ट है और ये श्रीहरिकोटा का पार्ट है, जो आपको एक इम्पॉर्टेंट जहाँ से इसरो अपने सेटेलाइट की लॉन्चिंग करती है, और ये आपको लोकल और माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए फेमस है, जिसमें जलसिंह है, कौडिला से, हेरॉन से, चिंगारा है, स्पूनबिल्स है और डक है। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको? और ये आपको याद रखना लैगून लेक है, ये लैगून लेक है ये।
एक लेक है चेम्बारा द्रांबकम लेक, अदियार रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती है, चेन्नई के क्लोज है ये, और ये आपको चेन्नई के लिए वाटर सप्लाई करता है ये, इसका नाम है चेम्बारा द्रांबकम लेक। अदियार रिवर जो है चेन्नई में, उस रिवर का सोर्स यही बनती है जो चेन्नई के लिए वाटर सप्लाई भी कर रहा है, ये चेम्बारा के पास में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, ये चेन्नई में है, एरेंजमेंट तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और लेक है, कोस्टल लेक है ये, इसका नाम है कालीवेली लेक। ठीक है, कालीवेली लेक याद रखना आपको, एक तमिलनाडु में कोस्टल रीजन में एक लेक है जिसका नाम है कालीवेली लेक, और ये पुडुचेरी के 10 किलोमीटर नॉर्थ में आपको लोकेटेड दिखेगा, और ये पेनिनसुलर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड रीजन, इस इंपॉर्टेंट वेटलैंड रीजन इन द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का महत्वपूर्ण वेटलैंड रीजन है। और इस एरिया का लेक भी डिक्रीजिंग करता चला जा रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो कालू वैली लेक का रीजन सी है, यहाँ पे कालू वैली लेक है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में एक और लेक मिलेगा आपको, वीरानम लेक। वीरानम लेक इधर तमिलनाडु, आपको करीब करीब 235 किलोमीटर अवे फ्रॉम द चेन्नई है ये, और चेन्नई के वाटर सप्लाई में इस लेक का भी रोल है, यानी ये वन ऑफ द रिजर्वायर विच द सिटी ऑफ चेन्नई सप्लाईज वाटर, चेन्नई सिटी को वाटर सप्लाई करने में ये रोल भी, लेक भी रोल प्ले करता है, उसका नाम है वीरानम लेक, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये सेटेलाइट इमेज है उसके, जो आप देख रहे हो वीरानम लेक वगैरह के सेटेलाइट इमेज है ये। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन? एक बहुत ही फेमस लैगून लेक है केरल में, उसका नाम है अष्टमुदी लेक, अष्टमुदी लेक, इट इज अ लैगून इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। देखो एक चीज याद रखना, जो केरल स्टेट है, केरल स्टेट में लैगून्स को हम लोग कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं, सिर्फ ये केरला के अंदर, यानी मलाबार जो कोस्ट है हमारा, उसी मलाबार कोस्ट पर लैगून्स इज कॉल्ड द कयाल। पूरे जैसे मान लो उड़ीसा में हम लोग चिल्का को देख रहे थे, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हमने पुलिकट लेक को देखा, तो इन्हें कयाल नहीं कहते, कयाल केरला वाले कोस्ट पर, जो इंडिया का ये वेस्टर्न कोस्ट देख रहे हो, इस पार्ट में जो लेक मिल रहे हैं यहाँ पर, इन्हें हम लोग कयाल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बैक वाटर्स या लैगून्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक फेमस, बहुत ही फेमस लेक है वहाँ पर, यानी लैगून है या कयाल, इसका नाम है अष्टमुदी लेक। ठीक है, और इट इज रजिस्टर्ड एज द वेट लैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर एग्रीमेंट, इज दैट क्लियर? सभी लोग कयाल लैगून्स को ही बोलते हैं माधवी उड़ीसा में, सॉरी केरला के अंदर, केरला के अंदर से कयाल कहा जाता है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये आप देख सकते हो केरल में अष्टमुदी का रीजन है ये। ठीक है, देख रहे हो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, और इसी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आपको अष्टमुदी लेक दिखेगा केरला में, ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पर आपको अष्टमुदी लेक है ये, इट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक लेक आपको केरला में और मिलेगा, वीरान पूज्जा लेक, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलने वाला। ठीक है, और इसी और ये जो वीरान पूजा लेक है, ये आपको इट इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ द रिवर्स एंड द कैनाल, रिवर्स और कैनाल से एक वाइड नेटवर्क भी यहाँ पे मिला वीरान पूजा लेक। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक लेक और केरला के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, वो है सस्थामम कोटा लेक, सस्थाम कोटा लेक। ये लेक जो है केरल में फ्रेश वाटर लेक है, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, सस्थाम कोटा लेक। सोनिया सोनी सारे एटलस में नहीं मिल पाएंगे,
सभी एटलस के अंदर नहीं मिल पाएंगे, बट मैक्सिमम स्टेट वाइज मैंने बोला, उन स्टेट में जाकर खोजना, आपको दिख जाएंगे ये। ठीक है, केरल के अंदर मिलेगा ये, सस्थामकोट्टा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है ये। वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है, जैसे अभी हमने जो देखा लेक, ये सारे आपको सॉल्टी लेक में थे, लैगून्स हैं बेसिकली, बट ये सस्थामकोट्टा याद रखना एक फ्रेश वाटर लेक है केरला के अंदर, ये देख सकते हो सस्थामकोट्टा का पार्ट है ये। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर कयाल है, उसका नाम है वेम्बनाद लेक। ये वेटलैंड रीजन्स भी है, और ये आपको कुछ ऐसे मिलेगा, केरल का लार्जेस्ट लेक है, और इसकी लोकेशन ना जैसे मान लो ये ऐसे मैप को समझ रहे हैं हम लोग, ये इंडिया का मैप हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका वेम्बनाद लेक है केरला में। ये जो आप वेम्बनाद देख ले रहे हो केरल में, ये आपको लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी है, भारत का सबसे लंबा झील। बड़ा नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, एरिया इसका बड़ा नहीं है, ध्यान देना, एरिया की मैं बात नहीं करूँ, लंबाई की बात करूँ, इसे लॉन्ग है ये। यदि कभी भी हमसे क्वेश्चन है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, तो उसका आंसर भी होगा वेम्बनाद लेक, जो केरला में मलाबार कोस्ट पे सिचुएटेड है। बट इन द केरल आते हैं तो लार्जेस्ट लेक यही है, और ये एक लैगून है, कोस्टल पार्ट में एक लैगून का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोची एर्नाकुलम जो सिटी है वो आपको पास में मिल जाएगा यहाँ पर, इसी वेम्बनाद के साथ में। ये देख सकते हो, ये वेम्बनाद लेक है पूरी तरह से, अरबियन सी का पार्ट है, और ये रीजन आपका केरला में है, और एक वेटलैंड रीजन्स भी है। समझ में आया कुछ, कोई कंफ्यूजन? यहां तक ओके हैं सभी लोग? ऑल गाइज आर ओके? इफ यू ऑल आर ओके देन गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज। यस माधवी, देखो हम लोगों ने इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेक को डिस्कस किया, तो यहां तक सभी लोग समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? तो एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लेक टॉपिक जो है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण लेकों के बारे में हमने समझा, वह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो यदि आप में से, जैसे एक चीज मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, आप लोग यदि मानो या ना मानो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बट यदि आप में से जो लोग सीरियस हैं, जिनको मतलब अभी डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपने को इनरोल्ड करके सब्सक्रिप्शन ले करके प्रिपरेशन करोगे, तो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। और आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्रवीण वन रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। सुनिए, अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है सारे लेक को फिर से बता पाना, 1 घंटे की क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म एक बार देख लेना। ठीक है, बताइए मधुसूदन दुबे जी आपके क्या क्वेश्चंस हैं, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा तो सर आप, मैं क्लास में आपकी नहीं आऊँगा आवाज से, बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। तो प्रवीण वन रेफरल कोड यूज़ करो, आपको 10% ऑफ तो मिलने ही मिलने हैं, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी। और मैं उन सभी लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग डिसाइड कर चुके हैं मुझे यूपीएससी देना है और करना है, तो वो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के प्रिपरेशन करोगे तो सिस्टमेटिक और सही वे में आपकी प्रिपरेशन होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ नहीं है। अगर बार आप ऐसे करते हो, जिग जैग तरीके से पढ़ते हो ना, तो ड्यूरेशन आपको लंबा लगेगा, यानी लंबे टाइम तक आपको हो सकता है सिलेक्शन लेने में बहुत टाइम ले लो आप। ठीक है, ओके सुप्रिया, क्लासेस एंड हो गया, अब जा सकते हो आप। और टेलीग्राम जो लिंक है मेरा वो है anacademy_praveensinh, इसमें टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी क्लासेस की पीडीएफ भी सेंड करता हूँ, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। बेसिकली जो लेकों की संख्या वगैरह है ना, आपको मधुसूदन देख सकते हो यहाँ पर, जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट दिख रही है, इस रीजन में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है,
आपका क्या क्वेश्चन है बीएस बताइए। क्या समझ में आ रहा सुप्रिया बताइए मुझे, पॉलिट आपका क्या डाउट है मैं समझा नहीं। ठीक है, और जिन लोगों ने मुझे ना अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो उससे आपको क्या होगा मेरी जो वहाँ पे क्लासेस होती है इजीली आप आ पाओगे। बताया तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, इसके अलावा आप मेरी 11 PM पर रात को 11 बजे क्लास होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, वहाँ पे हम लोग कुछ मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड ही, तो आप इजीली आकर के उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं 11 PM वाली क्लास को। लेकिन ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर होते हैं, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे मैं मॉर्निंग 7 AM पे मिलता हूँ डेली सुबह 7 बजे। जनरली जो सुबह मॉर्निंग 7 AM वाली मेरी क्लास है ये मंडे टू सैटरडे होती है जनरली, बट कभी कभी संडे भी पढ़ा लेता हूँ, बट ऑलमोस्ट ये मंडे टू सैटरडे डेली है हमारी। ठीक है, तो आप पॉलिटी क्लास करनी है तो इसमें दिक्कत क्या है, कीजिए शुक्रिया। व्हाट्सएप पर ऐसे व्हाट्सएप पे भेजता नहीं हूँ बट कर दूंगा वो भी, आप मेरी इस पे जुड़े हो पहले टेलीग्राम पे सुप्रिया, मैं आपसे बात करूँगा वहाँ पे अनअकैडमी अंडर स्कोर प्रवीण सिंह। ठीक है, कई क्लासेस होती रहती हैं अनअकैडमी के चैनल पर ही, तो आप देख सकते हो उनमें से क्वालिटी क्लासेस, आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे इस चैनल पर आपको कई क्वालिटी क्लासेस मिल जाएंगे, कई टीचर्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सुप्रिया, चलो फिर हम लोग मिलते हैं गाइस टुमारो द नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ ऑसम सेशन के लिए। जितने लोग क्लास में, क्लास को लाइक और शेयर भी किया करो यार आप लोग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।